Hi, so this is Ujjal Kumar Sen, watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. So today I got a topic, और ये topic बहुत ज़्यादा important आपको पता है, as आजकल जो भी topic मैं लेता हूँ वो सारे क्या होते हैं, बहुत important topic होते हैं. तो topic क्या है, मैं आपको slowly समझाऊँगा, आप आराम से समझना, थोड़ा lengthy video हो सकता है, but इसको समझना आपको बहुत काम आएगा. हेडिंग तो आपने पढ़ ली हो, मैंने क्या बोला कि आपको जॉब छोड़ के क्या प्रिपरेशन सिर्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखिए यहाँ पर क्या है, दो केसेस हैं. अगर आप मान लो फ्रेशर हो, जॉब का लगा हुआ है प्लेसमेंट से, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलता है, आप जॉब ले लो, साथ साथ प्रिपरेशन करना, पहला केस. लेकिन इसमें एक केस और इंक्लूड करता हूँ, अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एमएनसी में, तो नहीं तो नहीं. अगर ऐसे सिंपल कंपनी में हुआ तो मत जाना, फिर तो आप प्रिपरेशन कर लेना, बिकॉज आपके अंदर प्लेसमेंट आपका हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर है. क्या है क्या नहीं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, जब सारे केसेस में क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा. अब लेते हैं केस कि अगर आप मान लो एक साल नौकरी कर चुके हो, अब मैं क्या करूं. अब देखिए ऐसा सिचुएशन, ये ज्यादा फोकस करना है मुझे, ऐसा सिचुएशन तभी आता है जब आप अपने नौकरी से खुश नहीं होते हैं. आप कहीं और हो, घर वाले कहीं और हैं, जिस जगह पर वहां पर हेल्थ सही नहीं रहा है, बहुत टाइम काम करना पड़ता है, 12 आवर्स का आजकल जॉब चल रहा है, शिफ्टों में काम करना पड़ता है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं जैसे रोबोट जैसे काम कर रहा हूँ. तो इस चीज को समझाने के लिए बात करता हूँ मैं जब 2012 में पास आउट हुआ था, एट दैट टाइम आई गॉट जॉब टू टीच इन एन यूनिवर्सिटी. हिमाचल प्रदेश से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो वहां पर एक साल के आसपास काम करने के बाद मेरे को लगा कि मैं कुछ सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा हूँ. मेरे को लग रहा है मैं रोबोट बन गया हूँ, सुबह उठता हूँ, पढ़ाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ. तो मेरे को लगा कुछ अलग करना चाहिए, फिर मैंने वो नौकरी को छोड़ा. आपको मजे की बात बता रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये फेज आप चेंज करने वाले, मतलब ये फेज फेस करने वाले हो. जब मैं नौकरी छोड़ने वाला था, तब मैंने पूछा अपने जो मेरे से अच्छे लेवल से थे, मेरे टीचर से, उनको पूछा कि सर नौकरी छोड़ दूं, तो सारे ने बोले, लगभग 90% लोगों ने बोला नौकरी छोड़ोगे नौकरी नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलती बेटा, ये मेरे को बोला था. तो आप अगर उस एज में, मतलब मैं कितने साल कहूंगा, 21-22 ईयर्स कहूंगा उस टाइम में, 22-21 ईयर्स कहूंगा, तो उस एज में आपके दिमाग में क्या होगा, जरूर पूछे. लेकिन मेरे अंदर कुछ था कि ना छोड़ दो, छोड़ना है मतलब सोच लिया तो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं ये नौकरी लिया था ना और एक नौकरी में ले लूंगा, एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, आपके अंदर भी होना चाहिए. तो फिर मैंने क्या करा कि जॉब को छोड़ दिया. तो आप अगर इस सिचुएशन में हो, तो आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर क्या है. क्या आपको गलती से नौकरी लगा था कि और एक नौकरी ले नहीं पाओगे, नहीं ना, तो फिर नौकरी छोड़ने क्या दिक्कत है, नौकरी छोड़ो. और छोड़ना क्यों है, मतलब छोड़ना कब चाहिए. देखिए अगर आप सही में सेटिस्फाइड हो और किसी और को देख के कि उसने इस जगह पीएससी में नौकरी लगा, मैं भी कर सकता हूं, फिर तो गलतफहमी मत आना. छोड़ना तभी जब आपको लगे कि हाँ मैं इससे, मतलब खुद से होना चाहिए, खुद से इंटरनल होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए आवाज कि हाँ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, इससे बेटर कर सकता हूं, तो नौकरी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी नहीं मिलता, किसने बोला नौकरी मिलता है, नौकरी मिलना बहुत आसान है. क्यों, क्योंकि देखिए मैं पिछले 3-4 साल से कम 250 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूं, टीचिंग फील्ड में, इंडस्ट्रीज में नहीं, टीचिंग फील्ड में. इंडस्ट्री वाले आते थे कॉलेजेस में, देखा कैसे इंटरव्यू लेते हैं, वो भी बोलते हैं कि बंदे है ही नहीं काम करने वाले, सीरियसली. तो मैंने टीचिंग में इतने सारे बंदों को इंटरव्यू लेने के बाद देखा कि ओनली 4-5% आर कैपेबल ऑफ टीचिंग. कॉलेज में देख लो या फिर आप कोचिंग में देख लो, इनके भी लिया मैंने इंटरव्यू. तो मेरे को लगा इस बात को, तो मैंने इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके नॉलेज है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप नौकरी छोड़ सकते हो. लेकिन केसेस को पकड़ लेना जो मैंने आपको बताया. अगर आपको एमएनसी में प्लेसमेंट हुआ है, तो नौकरी बिल्कुल मत छोड़ना, नौकरी ले लेना जाके, क्योंकि अभी एमएनसी में प्लेसमेंट ना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है. अब बात करते हैं यहां पर कि हाँ नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ देना है, अब क्या करना है, आगे कोचिंग लेना है नहीं लेना है. देखिए अब क्या करते हैं बहुत सारे बंदे, देखिए अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करते हो, बेस्ट प्लेस को चूज करो कोचिंग लेने के लिए, जो आपके लिए बहुत बेस्ट है. वो बेस्ट प्लेसेस क्या है, दो प्लेसेस आपको मैं रिकमेंड करूंगा पूरे कोचिंग लेने के लिए, वो है दिल्ली और एक क्या है हैदराबाद है. यहाँ पर काफी अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, और इनमें अगर कोचिंग लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इस चीज का, कि वहां पर एनवायरमेंट मिलेंगे, वहां पर बच्चे मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे क्या मिल जाएगा, रिसोर्सेस मिल जाएगा कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा
अच्छा करने के लिए। और प्रिपरेशन करने का टाइम स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, जो लास्ट में बताऊंगा वो भी आपको सुनना है, बिकॉज वो सक्सेस मंत्रास मैंने उठाए हैं बहुत हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने सक्सेस गेन करा हुआ है। तो वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अब आपको क्या सोचना चाहिए कि हाँ मेरे को मतलब डिसाइड कर लो नौकरी छोड़ना है तो नौकरी छोड़ना है प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। बिकॉज नौकरी और प्रिपरेशन एक साथ हो नहीं पाया, इसके सबसे बड़े रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट। और एक साल नौकरी करने के बाद, दो साल नौकरी करने के बाद क्या होता है, आप ऑलरेडी बहुत सारे भूल चुके हैं चीजें। तो क्या करना है आपको, आप कोचिंग सेंटर लो, ऑफलाइन लेना ऑनलाइन मत लेना। फिलहाल इसके चलिए लॉजिक है कि आपके पास पैसे हैं और टाइम भी है और आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको ऑफलाइन जाना है। मेरा मैं तो पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, राइट। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, कि वहां पर जाओ कोचिंग लो और क्या करो, एक दो तीन बंदों का ग्रुप बनाओ जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करो, लग जाओ काम पे। और एक गलती बिल्कुल मत करना, वो क्या है, टेस्ट सीरीज बाद में ना, टेस्ट सीरीज अब से देना शुरू करना। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, और टेस्ट सीरीज में कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, और दो टेस्ट सीरीज बार बार दो, जो सीख रहे हो उसको लिख कर रखो, देखना दिसंबर तक बहुत अच्छा कर लोगे आप। तो मैं आपको बताने वाला हूं चार चीजें, तीन दिख रहा था, चार वो क्या चीजें जो आपको फॉलो करना है। मतलब उस चीज की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं वो बहुत जबरदस्त हाई लेवल का ग्रोथ अचीव करते हैं। वो चार चीजें क्या है वो आपको पकड़ना है। पहला, ध्यान सुनना, पहला प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म, आपके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है, कि आप कौन से एग्जाम को देने वाले हो, पहला। दूसरा डेडिकेशन, यहां पर गलती करते हैं बच्चे, जब आते हैं जॉब छोड़ के जोश जोश में पहले दो चार दिन तो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या स्लोली खत्म होता है टाइम ना। आप क्या करो, कम से शुरू करो, एक घंटा पढ़ो, दो घंटा पढ़ो, फिर जैसे लास्ट हो जाएगा ना 8-10 घंटा 12 घंटा, मतलब धीरे धीरे आगे जाओ, नीचे नहीं करना आपको, ऊपर जाना है, समझ गए। ये आपको मेंटेन करना है, जितने अच्छे से इस चीज को मेंटेन करोगे आप उतने जल्दी सक्सेस गेन करने के क्या हो जाओगे, क्लोज हो जाओगे, राइट। दो चीज आपको बता चुका हूं, पहला क्या बोला, प्लेटफॉर्म, दूसरा क्या है, डेडिकेशन, राइट, दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है, वो भी लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपके पेपर अब क्या है, टाइम आपके पास है, तो इसका मतलब अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बनाते हो कि कैसे कैसे आपको करना है, कितने मार्क्स लेना है, कौन कौन सब्जेक्ट करना है और कौन सब्जेक्ट पहले करना है, उसके बाद क्या करोगे आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, काम पे लगाना है, और काम पे कैसे लगाना है उसके बारे में बात करूंगा। ऐसे मान लीजिए आपने क्या करा, 80 मार्क्स का आपका टारगेट रखा, मान लो अब क्या करो कि हर महीना, महीने कितने रह गए, मान लो 8 महीने रह गए आपके, हर महीना 10 नंबर का काम करना है आपको, 10-12 नंबर का काम करना है हर महीना, 10-12 नंबर मतलब कितना हो गया, हर एक दिन आपको क्या करना है, हर एक 3 डेज में 1 नंबर का काम करना है आपको। अगर ऐसे आप डिवाइड करते हो ना तो आपका काम ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो उनका टारगेट होता है वो ऐसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है वो आपको बताऊंगा अभी। आपके पास क्या होना चाहिए, जो मोटिवेशन होना चाहिए ना, जो रीजन होना चाहिए कुछ करने के लिए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्या है, रीजन अगर स्ट्रांग हो तो क्या होगा, आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी देखना, कंपनी तभी ग्रोथ करती है जब वो क्या करते हैं, उनके पास स्ट्रांग रीजन होता है और कंटिन्यूअस वो ग्रोथ करते हैं। अगर ये चीजों को आपने अप्लाई कर दिया अपने लाइफ में, गेट क्या है, IAS क्या, कुछ भी क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज जरूर देना पड़ता है, क्या है, टाइम और एक एफर्ट। आपको बताऊंगा कि ये मेरा पर्सनल स्टोरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे कॉलेज टॉप करा था, बीइंग ए वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं कोई बहुत सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट ना मानता हूं मैं ना था, लेकिन हाँ मेरे को मेरे जो आसपास लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे करते हो, बाकी पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, राइट। तो मैं मानता हूं अपने आप को बहुत एवरेज, बहुत कॉमन पर्सन। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपको स्टोरी सुनाऊंगा, और रियल स्टोरी है, मेरे कजन है जिन्होंने क्या करा था, ये आपको स्टोरी सुने क्या होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे पता है, इसलिए स्टोरी को मैं सुना रहा हूं। कजन है वो, बेसिकली उस टाइम ऐसे अच्छे शहर में रह रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, उनके कजन और एक उनके दोस्त थे, एक बंदे का नौकरी लग गया आफ्टर कंप्लीटिंग प्लस टू, कहां लगा बताऊंगा नहीं, बट गवर्नमेंट जॉब लगा था उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, आसपास के बंदे क्या बोले, अरे तुम बोलते हो तुम्हारे ये रिश्तेदार के बेटे हैं बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उसके दोस्त का नौकरी लगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, राइट। अब देखिए हमें भी उस टाइम क्या लगेगा, हाँ सही बोल रही है, उसका कुछ नहीं आता है, उसको बहुत कुछ आता है, पहला। दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या हुआ, उस जो कजन है उन्होंने बीटेक कर लिया, बीटेक का अच्छा नौकरी लगा नहीं, तो लोग बोले फिर से, अरे इसका कुछ नहीं आता है, बीटेक कर लिया कोई अच्छा नौकरी लगा नहीं इसका, अब क्या करेगा ये। अब उन्होंने क्या करा, एमटेक करा NIT से, NIT से एमटेक करने के बाद क्या हुआ, उनका डायरेक्टली जॉब लगा डिजाइन सेक्टर में,
इसलिए मैं डिजाइन का वीडियो बनाया था उनसे पूछ के, डिजाइन सेक्टर में जॉब लगा और वन ऑफ द प्रीमियम ऑटोमोबाइल कंपनी में। अगर पांच अगर ऑटोमोबाइल कंपनी नाम लोगे इंडिया में, उनमें से एक कंपनी में काम कर रहे थे, अभी वो यूएस में है। अब कंपेरिजन कर लो, जो इसका प्लस टू के बाद नौकरी लगा था, अब एक मेरे जो कजन है उनके साथ, पता लग जाएगा आपको मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, आपको लॉन्ग टर्म क्या रखना है, विजन रखना है। बिकॉज लाइफ हो ना 10-2 साल की, 50-60-70 साल जीना है भाई, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है और स्ट्रेटेजी अच्छा बनाना है, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा और लोग आपके फिर नाम करेंगे और आप तो अपने आप को फिर अच्छा समझोगे। लेकिन हाँ, जिस दिन कुछ अच्छा कर लोगे ना, लोगों को हेल्प करने वाले, हेल्प करने के बारे में सोचना, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा, राइट। मतलब हेल्प सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का हेल्प होता है, आप बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हो। फाइनेंशियल हेल्प मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प नहीं होता है। आप किसी को क्या करो, ऐसे उनको टिप्स दो ताकि उनका लाइफ में चेंजेस आए लॉन्ग टर्म बेसिस, राइट। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया और आप कुछ अच्छा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और आपको क्या करना है आपको पता है, बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। ऑलराइट, सो बाय, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक।